हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। आज मैं आपको 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स का सीएस एग्जीक्यूटिव का दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम है। इससे पहले मैंने आपको 4 मंथ्स की स्ट्रेटजी बता चुकी है, जो हमारी अगस्त से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं सेप्टेम्बर, अक्टूबर और नवम्बर। आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स है और आपको जी जान से इसमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, कुछ स्टडीज़ आपने पहले भी कर रखी होगी, बट होता है कि आप थोड़ा लाइटली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट अभी 3 मंथ्स और भी है, बहुत इनफ है। 3 मंथ्स एकदम इनफ है आपको अपना सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ कि आपको किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले मॉड्यूल 1 की, अगर जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल 1 को प्रेफर कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, आज है फर्स्ट, आज से आपको 15 डेज के लिए जेएजल पढ़ना चाहिए। जेएजल आपका बहुत लेंदी सब्जेक्ट नहीं होता है और जेएजल बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, तो जेएजल बहुत आराम से आप 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। कुछ चीज़ें तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि आप 15 डेज में उसको कंप्लीट कर लोगे। बट हाँ, एक चीज़ याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप 15 डेज कंटिन्यूसली उसको पढ़ोगे। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है, ये आप टाइम शेड्यूल रखना अपना जेएजल पढ़ने का। इट मीन्स फर्स्ट से लेकर 15 सितंबर तक आप अपना जेएजल पढ़ो, बट एक टाइम शेड्यूल में। इट मीन्स मॉर्निंग से लेकर इवनिंग के टाइम पे आप अपना जेएजल कंप्लीट करो 15 डेज में। ठीक है, अब बात आती है इवनिंग टू नाइट का आपका टाइम क्या होगा। कंपनी लॉ बहुत लेंदी होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें सेक्शंस याद रखना आपको बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। तो कंपनी लॉ आप क्या करना है कि जेएजल के साथ आप अपने कंपनी लॉ प्रेफर करो। आप मॉर्निंग टू इवनिंग अगर अपना जेएजल लेकर चल रहे हो 15 डेज के लिए, तो इवनिंग टू नाइट आप कंपनी लॉ को प्रेफर करो और कंपनी लॉ ही 15 डेज तक पढ़ो। ठीक है, आई नो दैट कि कंपनी लॉ 15 डेज में कंप्लीट नहीं होगा। देखिए, आप 15 डेज में अपना जेएजल कंप्लीट करिए, फिर आपका जो नेक्स्ट 15 डेज आता है, इट मीन्स आपका 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का आपका जो 15 डेज आता है, उसमें फिर आप अपना कंपनी लॉ कंप्लीट करो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉर्निंग टू इवनिंग आपको जेएजल पढ़ना है। आप 15 डेज में मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल रखोगे तो आप आराम से कंप्लीट कर लोगे। देन इसके बाद आपकी नाइट की बात आती है, तो इवनिंग टू नाइट आपको कंपनी लॉ पढ़ना है। आप थोड़ा थोड़ा कंपनी लॉ 15 डेज तक पढ़ो। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 15 डेज होता है 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, आप पूरा 15 डेज अपने कंपनी लॉ पे दे। ठीक है, जेएजल के साथ तो आप तो थोड़ा बहुत पोर्शन दे रहे होगे। ठीक है, या फिर अगर वॉल्यूम 1 लेके चल रहे होगे, तो जो नेक्स्ट 15 डेज आता है उसमें आप अपना जो है कंपनी लॉ का जो वॉल्यूम 2 है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, ये हो गया आपका जेएजल और कंपनी लॉ, 1 मंथ आपका कंप्लीट। फिर आता है अक्टूबर। आपको पता होगा कि जो कंपनी लॉ होता है, जो एसबीएसई होता है, वो कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है। हालांकि उसका अलग पोर्शन होता है, बट फिर भी वो कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है। तो एसबीएसई के लिए भी मुझे लगता है कि 15 डेज इनफ होता है। ठीक है, तो आप अब क्या करोगे, कंपनी लॉ तुरंत पढ़े होगे तो आपको एसबीएसई जो है याद करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप अपना एसबीएसई मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल, एसबीएसई के लिए भी यही है, मॉर्निंग से इवनिंग का जो शेड्यूल है 15 डेज का, 1 अक्टूबर से लेकर अपना जो है 15 अक्टूबर तक आप एसबीएसई पढ़ो। ठीक है, अब इवनिंग टू नाइट क्या रखना है, टेक्स्ट। आपको पता होगा टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट पढ़ना है, तो अब क्या करोगे कि एसबीएसई के साथ आप टेक्स्ट जैसे जीएसटी पढ़ लेना। ठीक है, मुझे लगता है कि डीटी जो है थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है, जीएसटी फिर भी लोगों को इजीली समझ में आ जाता है। तो आप एसबीएसई के साथ इवनिंग टू नाइट आप जीएसटी पढ़ना 15 डेज के लिए। ठीक है, आप जीएसटी कर सकते हो, आपने कुछ चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी। देन उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 15 डेज आता है 16 अक्टूबर से लेकर आपका जो है 30 अक्टूबर तक, ठीक है, जो भी आपका आता है, मेरे ख्याल से उसमें 31 होता है। ठीक है, 31 होता है, तो आप वहाँ तक अपना जो है डीटी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो एसबीएसई के साथ अपना जीएसटी लेके चलना 15 डेज के लिए, उसका जो आपका नेक्स्ट 15 डेज आता है उसमें आप अपना डीटी को कंप्लीट करना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जो कंपनी लॉ और टैक्स जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप आराम से 1 मंथ का टाइम आपको मिल जाएगा, और जो आपका जेएचएल और एसबीएसई है थोड़ा स्मॉल पोर्शन होता है तो आप उसको 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप टू मंथ्स में अपनी जो है पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास 1 मंथ और आता है। ठीक है, आपके पास 1 मंथ और है नवंबर में। अब नवंबर में आप कैसे करोगे कि कंपनी लॉ और टैक्स ऑब्वियसली बात है बहुत आपका लेंदी है, तो आप 10 डेज कंपनी लॉ का रिवीजन करना और 10 डेज टैक्स का रिवीजन करना, मुझे लगता है बहुत ही इनफ है। अगर आप अच्छे से पढ़ लियो तो बहुत ही इनफ टाइम है। तो आप नवंबर में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आप कंपनी लॉ पढ़ना, उसका रिवीजन करना,
और 11 नवंबर से 20 नवंबर तक आप अपना टैक्स का रिविजन करना, जैसे 5 डेज GST का कर लिया, 5 डेज DT का कर लिया, ऐसे कर लेना। देन उसके बाद जो आपका 10th आता है 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, उसमें आप 5 डेज जैसे 21 से लेकर 25 तक आप अपना GIGL का रिविजन करना, और 26 से लेकर अपना जो है 30 तक आप अपना SBEC का रिविजन करना। ठीक है, तो कंपनी लॉ और टैक्स के रिविजन को 10 डेज देना और अपना GIGL और SBEC के रिविजन को 5 डेज का जो है रिविजन के लिए अपना टाइम देना। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया नवंबर कंप्लीट। आप देख रहे होंगे कि आपने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली 2 मंथ्स में और 1 मंथ में आपने अपना रिवीजन भी कर लिया। दिसंबर में आपको पता होगा 21 दिसंबर से आप सबका एग्जाम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 5 डेज डिवाइड करो। ठीक है, सबसे पहला आपका पेपर GIGL का होता है, तो GIGL आप अभी मत पढ़ना दिसंबर में, GIGL आप पढ़ना अब सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको 5 डेज का जो टाइम होता है उसमें टेक्स्ट का रिविजन करना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट एक प्रैक्टिकल होता है, तो मुझे लगता है आप वो आराम से कर पाओगे। तो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आप अपने टैक्स की प्रैक्टिस करना, GST इसमें आप कोशिश करना जितना ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर सको, स्कैनर सॉल्व कर सको उतना बेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप करना अपना जो है कंपनी लॉ का, कंपनी लॉ का आप रिवीजन कर सकते हो, या मुझे लगता है कंपनी लॉ बाद में करना, पहले आप SBEC का रिवीजन कर लेना, क्योंकि कंपनी लॉ आपका सेकंड पेपर होता है। ठीक है, तो आप उसको बाद में कर सकते हो। तो आप 6th जो है दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक SBEC का रिवीजन करो, फिर 11th दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कंपनी लॉ का रिवीजन करो, और लास्ट जो आपका होगा वो GIGL होगा, क्योंकि GIGL सबसे पहला पेपर है। ठीक है, तो उसको आप जो है 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आप अपना GIGL का रिवीजन करो, देन उसके बाद 21 को अपना एग्जाम देने जाओ। ठीक है, तो आप जो आपके पास दिसंबर का जो टाइम है, आपको जो प्रेफर लगता है, आपको जो सही लगता है वो प्रेफर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि मुझे जिस चीज़ का रिवीजन पहले करना चाहिए आप उसको रिवीजन करो, बट हाँ GIGL सबसे लास्ट में करना, क्योंकि आप पढ़ के देन उसके बाद एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है फर्स्ट मॉड्यूल वालों के लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं, 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है और मुझे लगता है कि आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मॉड्यूल वालों के लिए बताऊंगी कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। कुछ भी आपको जाना हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कॉमेंट करना। थैंक यू सो मच।